Hello friends, welcome to my channel Deepika Meditation Power. Friends, today my topic is mobile phone addiction in kids. I hope you like my videos. Kindly like, share and subscribe my channel and press button for new videos. तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों में जो मोबाइल का है वो एडिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है. फ्रेंड्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल हम जो हैं वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मोबाइल फ़ोन का, सेल फ़ोन का. हम बड़े जो होते हैं वो हमें तो थोड़ा आइडिया होता है कि हमें फ़ोन को किस तरह से यूज़ करना है, पर सबसे ज़्यादा असर जो बुरा असर जो हमारी जनरेशन में पड़ रहा है और यंगस्टर्स में और किड्स में इसका असर बहुत ज़्यादा बुरा देखा जा रहा है क्योंकि उनको धीरे धीरे फ़ोन का एडिक्शन होता जा रहा है और पेरेंट्स को भी अपनी थोड़ी गलती को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो बचपन से ही छोटे होते ही से ही बच्चे को मोबाइल दे देते हैं खेल खेल में, लेकिन धीरे धीरे इस मोबाइल से वह उस मोबाइल का एडिक्ट हो रहा है, उसे आदत पड़ जाती है मोबाइल को 24 घंटे अपने पास देखने की. वैसे तो ये आदत हम बड़ों में भी हो जाती है, पर बड़े उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ये मोबाइल का जो एडिक्शन हो रहा है इससे उनके ब्रेन पे, उनकी ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है. अक्सर देखा गया है कि हम अपने आप को काम में बिज़ी रखने के लिए छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं और वो उस पर ऐसे ऐसे गेम खेलते रहते हैं जो कि उनके लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके माइंड के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं. आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा एक ब्लू व्हेल करके गेम आया था जिसमें कि एंड में एडमिन बच्चों को बोलता है कि तुम्हारा पासवर्ड जो है फ़ोन का वो हैक कर लिया गया है और अब हम तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे. तो इस कारण जो बच्चे थे उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो फ्रेंड्स हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस एडिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन में जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ से. तो फ्रेंड्स हम किस तरह से इस एडिक्शन को कम कर सकते हैं? चलिए एडिक्शन को कम करने की बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह इस एडिक्शन से हमारे जो जनरेशन है, जो हमारे छोटे जो बच्चे हैं हमारे घरों में, उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है ये मोबाइल. आप अपने कामों में बिजी रहते हैं और आपको ये पता नहीं चलता है कि मोबाइल में आपका जो बच्चा है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन से गेम खेल रहा है या वो कौन से वीडियोस देख रहा है. इस बात का आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, जिससे कि उसके माइंड पर, उसकी हेल्थ पर, उसकी ग्रोथ पर इसका बुरा असर ना पड़े. मोबाइल का एक एडिक्शन होता जा रहा है जिससे कि हमारी ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है. मोबाइल का यूज़ हम फ़ोन पे बात करने के लिए तो करते हैं, लेकिन हम इंसान इस चीज़ को भूल रहे हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है और उसे एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. अक्सर आजकल देखा जाता है कि सड़क पर इंसान तड़पता रहता है और लोग उसके मोबाइल से ही वीडियो बनाते रहते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो वीडियो बनाकर क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं. तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने इंसानियत को मत ख़त्म कीजिए. टेक्नोलॉजी का यूज़ सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ आप अपने किड्स को फ़ोन को फ़ोन एडिक्शन से दूर रखने की कोशिश कीजिए.
तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हम इस एडिक्शन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे को फ़ोन की लत लग चुकी है, उसे वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया है, तो नेचुरल बात है कि वो ज़िद्दी भी हो गया है। तो उस ज़िद्द को कम करने के, उस एडिक्शन को कम करने के लिए जब आप उसको फ़ोन दे रहे हैं तो एक टाइम लिमिट सेट कीजिए और धीरे धीरे उस टाइम लिमिट को कम करते जाइए। अपने बच्चों के साथ कुछ गेम खेलिए, कुछ क्रिएटिविटी गेम खेलिए, कुछ पजल्स खेलिए, जिससे कि उसके माइंड को, उसकी हेल्थ में कुछ अच्छा ग्रोथ हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखिए, फ़ोन में वो क्या देख रहा है, क्योंकि कई गेम ऐसे होते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उनके माइंड के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जब भी मोबाइल दे रहे हैं छोटे बच्चों को, कि वो उस मोबाइल के अंदर क्या देखता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, एक अच्छी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप उनको आउटडोर गेम्स खिलाइए जिसमें कि वो बिजी रहें, या कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी उनके साथ कीजिए कि वो अपने आप को मोबाइल से थोड़ा दूर रख पाएँ। क्योंकि ये एडिक्शन जब हो जाता है तो बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे और खाना पीना छोड़ देंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि मोबाइल एडिक्शन आजकल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है और इट जस्ट लाइक अ ड्रग एडिक्शन। तो इसकी तुलना जो साइंटिस्ट हैं वो ड्रग एडिक्शन से कर रहे हैं कि धीरे धीरे मोबाइल से हम लोग इतने एडिक्ट होते जा रहे हैं कि वो एक ड्रग एडिक्शन का की समान ही है। तो फ्रेंड्स अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखिए कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, और उनको टाइम दीजिए, क्योंकि उन्हें आपके टाइम की ज़रूरत है। जब आप उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, उनके साथ एक्टिविटी करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो नेचुरल बात है कि वो धीरे धीरे शायद इस मोबाइल एडिक्शन से बच पाएँ। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। ऑलवेज स्माइल, कीप स्माइल, स्टे फिट and save water. Thank you.